buzzard. So first part is the basic part, and second part is the 2024-25. Okay. Yesterday we discussed about the last class में क्या किया था हम लोगों ने कि what is the buzzard, what are the constitutional provision for buzzard and the what are the components of the buzzard. Revenue buzzard, capital buzzard, राजस्व बजट और पूंजी बजट कहते हैं हिंदी में उसको. और फिर हम लोग चार कंपोनेंट पढ़े थे, क्या क्या? रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो लोग कल नहीं आए थे वो या तो अपना वीडियो देख लेंगे या क्लास के नोट्स की से ले लेंगे, और जो आए थे वो तो ठीक ही है. अब बेसिक्स में हमने कल क्या कहा था कि बजट में अपने कंट्री में क्या है, कई टाइप के डेफिसिट है, और बताया था कि बजट देयर थ्री टाइप्स ऑफ बजट. One is called surplus budget, second is called balanced budget, and third is called deficit budget. And budget must be balanced, but must be balanced because revenue expenditure दोनों क्या होने चाहिए, हमारे equal होने चाहिए. But for developing country like India, जो India एक developing nation है, उसमें क्या होता है कि budget को हम लोग balance नहीं कर सकते हैं because government को कई सारे काम करने होते हैं, social sector के लिए, education के लिए, health के लिए, इंफ्रा के लिए. एक मिडिल क्लास फैमिली है इंडिया, सो फॉर मिडिल क्लास फैमिली वी हैव टू स्पेंड सो मेनी मनी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई डेवलपिंग नेशन हमेशा क्या होता है कि बजट जो है हमेशा डेफिसिट में आता है, यानी जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी. जितना आएगा, 10 आएगा तो 12 करेगी, 12 आएगा 15 करेगी, 15 आएगा 20 करेगी. ये ऑटोमेटिकली होगा, ये नेचर है, बिकॉज डेवलपिंग नेशन का ही होता है. जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है, बताया था मैंने कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, वी हैव टू स्पेंड ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, फ्लैट, सब चीज, कार लेना है, स्कूटी लेना है, सब करना है. इसलिए वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और प्रॉफिट हमारा, रेवेन्यू कम होता है. सो ये हमने बात की थी, और उसमें कहा था मैंने कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिसिट, कई टाइप के डेफिसिट होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तीन चार है उनका हमने यहां चर्चा करना है, और उसके बाद हम बजट 2024-25 पे आ जाएंगे. सो राइट डाउन द हेडिंग, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेफिसिट. फर्स्ट इज बजटरी डेफिसिट, सेकेंड इज रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड इज इफेक्टिव, हिंदी बोलता हूं मैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फोर्थ इज फिस्कल डेफिसिट, फिफ्थ इज प्राइमरी डेफिसिट, एंड लास्ट वन इज द मोनेटाइज डेफिसिट. मोनेटाइज डेफिसिट, ओके. बजटीय घाटा इसे कहते हैं, बजटीय घाटा इसे कहते हैं, राजस्व घाटा इसे कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा इसे कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा इसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा इसे राजकोषीय घाटा इसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा इसे कहते हैं, मौद्रिकृत घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट मौद्रिकृत घाटा. दी आर द सिक्स टाइप्स ऑफ द डेफिसिट, मोनेटाइज या मौद्रिकृत, मुद्रा से बना है, मौद्रिकृत, मोनेटाइज, मोनेटाइज डेफिसिट. बट यू मस्ट नोट दैट कि सिंस 1997 ये दो जो डेफिसिट हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं निकालती है, ये दो नहीं निकाले जाते. बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें क्यों निकाले नहीं जाते हैं, क्या कारण है, इसके लिए प्रोविजन है WMA, जो इकोनॉमी पढ़े होंगे पता होगा, WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस अग्रिम अर्थोपाय समझौता. ये एक एग्रीमेंट किया गया सुखमय चक्रवर्ती के रिकमेंडेशन पर, और उसके बाद से इसको दोनों को बंद कर दिया गया, ये अब नहीं निकाले जाते. तो जब आप बेसिक्स इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब मैं फिजिकल पॉलिसी अगर पढ़ाता हूँ उस समय बताऊंगा कि दोनों डेफिसिट क्या होते हैं, क्योंकि अब इसको हम कैलकुलेट एस्टिमेट नहीं करते हैं. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजटरी डिवीजन जो है ये सिर्फ ये फोर टाइप्स के डेफिसिट को ही कैलकुलेट करता है.
कौन कौन से, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। हमने कल बात की थी मॉर्निंग वाले बैच में, इसकी बात हमने की थी, वैसे बेसिक बताया था, लेकिन जो इवनिंग में है यहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जो बताया था मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बजट में, इसको एक बार फिर यहां पे मुझे बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इसी से सारे डेफिसिट होंगे, क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं। सीधे लिखता हूं मैं, क्या बताया था, पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट हैज टू पार्ट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप कि जितने लोग कल आए थे उन सबको इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्या होते हैं ये। जिनको नहीं आइडिया होगा वो अपने फ्रेंड से पूछ लेंगे, या रिकॉर्डिंग कल देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। सो बेसिकली बजट में ये चार चीजें मेन होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दी आर द फोर आइटम्स। अब पहला बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफिसिट की, राजस्व घाटा की, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीट्स, जब राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है, जब कंट्री का जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो कम हो जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाए, जो कि हमने कल बात की थी, जो लोग आएंगे क्लास में दोनों मॉर्निंग इवनिंग में उनको पता होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जनरली, रिपीट कर देता हूं मैं, जो कि गवर्नमेंट अर्निंग करती है विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी और विदाउट बोरोइंग, बिना कर्जे के या बिना कोई प्रॉपर्टी बेचे गवर्नमेंट जो भी पैसा अर्न करती है, चाहे टैक्स से, चाहे फीस से, चाहे फाइन से, चाहे गवर्नमेंट की जो कंपनी है उनके प्रॉफिट, डिविडेंड, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट, रिटर्न जो भी मिलता है वो सारे रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं, है ना। और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट कंट्री को मेंटेन करने के लिए सैलरी पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर, इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ यहाँ पर, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई बिल्डिंग नहीं बना, एम्स नहीं बना, IIT नहीं बना, हाईवे नहीं बने, एक्सप्रेसवे नहीं बने, वो सब एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। बताया था मैंने, जो कंट्री को रन करने में, कंट्री को मेंटेन करने में, जैसे फैमिली में होता है, फैमिली में क्या होता है, जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, फूडिंग पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे हमारे रेवेन्यू वाले होते हैं। सो किसी भी कंट्री में जनरली होना क्या चाहिए कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, देयर शुड बी नो रेवेन्यू डेफिसिट। ये बात हम लोग 2003 से 2004 से ही कर रहे हैं कि इंडिया में RD को इक्वल करना है, जीरो करना है, बट स्टिल वी कांट गेट सक्सेस। अगर आप देखेंगे तो कितना है RD हमारा, इसमें अगर देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट मिल गया है आप लोगों को, ये नहीं मिला है, मैं शेयर तो करवा दिया था ग्रुप में, अभी मैडम कर देंगे, एक बार रीचेक कर लो। चलिए अभी इससे काम चल जाएगा, बाद में हम लोग ओके। सो लुक द रेवेन्यू डेफिसिट विजिबल होगा, आई टोल्ड यू देयर आर फोर कॉलम, याद है ना कल वाली बात, कि देयर इज अ फोर कॉलम, 2024-25 बजटरी एस्टिमेट्स, 2022-23 एक्चुअल्स, 23-24 बजटरी एस्टिमेट्स एंड 23-24 रिवाइज एस्टिमेट्स, दिख रहा है ना। ये जो है क्या है, हमारा एक्चुअल जो है, ये हमारा एस्टिमेट्स है और ये हमारा प्रोविजंस है जो कि हमने रिवाइज किया है, एक्चुअल इसका बाद में आएगा। सो यू लुक हियर, एक्चुअली आवर रेवेन्यू डेफिसिट इज दिस ईयर एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज 5,80,201 करोड़,
दैट इज द 1.8% ऑफ जीडीपी एंड एक्चुअल ऑफ द 2022-23 इज अराउंड 110,69,926. फिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या होता है कि जब भी हम आरडी अगर निकालेंगे तो आरडी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये होता है क्या रेवेन्यू डेफिसिट। और ये कितना है एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो है हमारे कंट्री में अराउंड कितना 1.8% ऑफ जीडीपी यानी मेनी लाख करोड़ रुपीस ये होगा, और जो कि एक अच्छा साइन नहीं है किसी कंट्री के लिए। क्यों साइन नहीं है? ये क्या शो करता है? आरडी शो करता है कि आपके कंट्री के पास इतनी इनकम भी नहीं आ रही है कि इंफ्रा तो दूर, लोन रिपे करना तो दूर, आप कंट्री में लोगों की सैलरी लोगों की पेमेंट तक नहीं कर पा रहे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो आपके पास इतना इनकम भी नहीं है कि आप हाईवे नहीं बना रहे हैं बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपका रोडवेज नहीं है, आपका आईआईटी नहीं है, एम्स नहीं है, आप सिर्फ देश को चलाने के लिए भी आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं एंड दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। तो क्या करना होगा? आपको आरडी को जीरो करना होगा। जीरो मीन्स जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो और जितना रेवेन्यू डेफिसिट हो। बट लास्ट 10-20 ईयर 2003-2004 में एक एक्ट आया था FRBM, बताया था मैंने कल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये कहता है कि आरडी मस्ट बी जीरो, जो कि 2008-09 तक जीरो करना था हमें, बट ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स एट द नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल, हम लोग अभी तक आरडी को जीरो नहीं कर पाए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जान लो थोड़ा सा, कि आरडी को जीरो करने के लिए, आरडी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो ही काम करना पड़ेगा, या तो हमें रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा या इसको कम करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? टैक्स बढ़ाना होगा, और टैक्स बढ़ाना होगा, फीस बढ़ाना होगा, फाइन बढ़ाने होंगे, तो पब्लिक क्या रिवोल्ट करेगी कि भाई टैक्स अपने ऐसे ही बहुत ज्यादा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, 30%, 20%, 18% जीएसटी आप लोग पे करते होंगे। सो समटाइम इंडिया इज नॉट इन ए पोजिशन टू इंक्रीज द टैक्सेस, और टैक्सेस इंक्रीज नहीं होगा, आप जीएसटी ऐसे ही बहुत ज्यादा 18% तक सर्विस टैक्सेस पे, 12%, 18%, 28%, अब इसको और कितना करेंगे? करेंगे तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? टैक्स अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं, दो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपॉर्टेंट चीज समझते रहो बजट के साथ साथ। सपोज कंट्री ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर दिया तो गवर्नमेंट के पास किस लिए किया? कि गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू लेना है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देखो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, इट मीन्स गुड्स बिकम कॉस्टली। अब गुड्स बिकम कॉस्टली तो लोग उसको कंज्यूम कम करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और लोग जब कंज्यूम कम करेंगे तो अपने आप फिर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर हमने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया, मतलब इनकम टैक्स बढ़ा दिया, सोचो इसको, सिर्फ टैक्स का रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो क्या हो गया? सपोज आई हैव 1 लाख इनकम और मैं इस पर 30% टैक्स देता हूं, यानी 70K मुझे बचता है अपने खर्चे करने के लिए। अगर हमने इसको 30 से 35 कर दिया तो क्या होगा? इसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या, ये मेरे पास कितना बचेगा? 65 बचेगा। तो क्या होगा? मैं खर्चा कम करूंगा, और खर्चा मैं कम करूंगा तो फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आप सीधे सोचते हैं कि सर टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? फॉर अ सिविल सर्वेंट कैंडिडेट यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज आपका अपॉइंटमेंट ही हो रहा है उन कॉन्सिक्वेंसेस को दूर करने के लिए। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आप ही में से लोग आरबीआई में जाएंगे तो आप तो कहेंगे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहा है तो आप गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे, बढ़ा तो सकती है। और इसी पे लाफर आते हैं, लाफर कहते हैं कि नहीं, सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने से ही आपके कंट्री में रेवेन्यू नहीं इंक्रीज होगा। सो आई मीन टू से
कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट को क्लियर करने के लिए आपको ये बढ़ाना इतना आसान नहीं है कि आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, आपका हो गया, तो क्या करना होगा, ये खर्चे कम करने होंगे। यही कर सकते हैं ना, या तो इनकम बढ़ाओ या खर्चा कम करो। लेकिन खर्चा भी कम करना कैसे पॉसिबल है, बिकॉज इंडिया में पर लाख पॉपुलेशन नंबर ऑफ पुलिस वाला बहुत कम है, पर लाख पॉपुलेशन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है, पर लाख पॉपुलेशन नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, जितने वैक्सीन के और रोड के ट्रांस रेशियो देखोगे तो वो कम है, पर स्टूडेंट्स टीचर का नंबर कम है, सब में कम है। और इनको हम कम नहीं कर सकते। आप देखते हैं कई सारे आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस के सीट्स वैकेंट है, यू नो ना, टीचर्स के सीट वैकेंट है, तो आप इनको कम नहीं कर, आप ऑलरेडी कम है। पर लाख पॉपुलेशन नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कम है, पर लाख पॉपुलेशन रेलवे कम है, तो आप इनको कम नहीं कर सकते हो। और बढ़ाना ही है तो बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो आप इसको कम नहीं कर सकते हो। सो कंट्री लाइक इंडिया, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना इट्स अ बिग चैलेंज, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम 2003-04 से लेकर हम आज तक रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और स्टिल इसका जो इशू है वो हमारे पास अराउंड इस साल एक्सपेक्टेड है 580,000 करोड़, जो कि मे बी अभी रिवाइज होगा अगले साल, और फिर उसके बाद 2026 में विल गेट द एग्जैक्ट फिगर की व्हाट इज द कंडीशन। गॉट द पॉइंट? सो आरडी, तो आरडी में ये चीजें आपको जानना, समटाइम्स यूपीएससी आर द ट्रेंड, यूपीएससी नेवर आस्क द एग्जैक्ट फिगर, फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमेशा ट्रेंड आता है। क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेफिसिट ऑफ इंडिया और रेवेन्यू डेफिसिट इन लास्ट 4 ईयर, इन लास्ट 5 ईयर द आवर फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और फ्लक्चुएटिंग और 2 times और 4 times और बिकम हाफ, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए हमेशा एग्जैक्ट फिगर फॉर आईएएस, अगर आप यूर इन पीसीएस देन यू कैन मेमोराइज द फिगर्स, बट यूर इन आईएएस देन देयर नो नीड टू मेमोराइज द फिगर, बट यू हैव टू नो द ट्रेंड। ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आए आप देखोगे जीडीपी के बेस पे, इन्फ्लेशन के बेस पे, सब पे आए। सेकेंड क्या है, सेकेंड इज द, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक नया कंसेप्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कल इवनिंग वाले में या मॉर्निंग वाले में किसी एजेंट ने पूछा भी था मेरे से ग्रांट्स वगैरह के बारे में, बताया थे, बताऊंगा कल। ईआरडी, इन शॉर्ट इज कॉल्ड ईआरडी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है। द कॉन्सेप्ट वॉज लॉन्च इन 2009-10 में कंसेप्ट आया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वो लाए थे कंसेप्ट को। अभी अगर अरुण जेटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहते तो इसको खत्म कर दिए होते, उनको पसंद नहीं था ये, लेकिन अभी स्टिल इट इज ईआरडी, बाद में खत्म भी हो जाए। ईआरडी क्या होता है, ग्रांट कहां आता है, कोई बताएगा मुझे जो कल क्लास में थे? इसमें ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहां पे आएगा? ग्रांट मतलब अनुदान, सब लिखवाया था मैं, किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। ग्रांट जो गवर्नमेंट देती है, जैसे आप लोग यूजीसी से बैठे हुए हैं, हर जगह ग्रांट अनुदान होता है, ग्रांट मतलब सहायता जो गवर्नमेंट देती है किसी को, तो जो ग्रांट से न तो कोई संपत्ति बनती है और ना ही कोई कर्जा चुकता है, इसलिए ग्रांट को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। जो लोग कल आए थे उनको याद होगा, जो नहीं आए थे उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, हाँ, बट नेचुरल है कि नहीं पढ़े दिक्कत है, ग्रांट क्या है, अनुदान क्या है, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो लोग बाद में देख लेंगे अपना। अब ग्रांट हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इंडिया ने ग्रांट दिया किसको, मान लो स्टेट्स को ग्रांट दिया, और उस ग्रांट से, ग्रांट क्या है, ग्रांट जस्ट लाइक अ पॉकेट मनी गिवन बाय योर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, जाओ स्कूल, जाओ कॉलेज, घूम लेना, खा लेना, कुछ कर लेना, वही होता है ग्रांट्स। तो ग्रांट्स जनरली गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वेरियस सेक्टर। यहां हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स गवर्नमेंट को भी ग्रांट देती है, और स्टेट गवर्नमेंट उस ग्रांट से क्या करती है, कई प्रकार की इंफ्रा डेवलप कर लेती है। स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया गया पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने